हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। लॉकडाउन में घर पे ही हैं, छत पे बैठे हुए हैं। सोचा है कि थोड़ा आप लोगों को कुछ घर का कुछ कुछ सीन दिखाते हैं। नीचे करोटन लगा हुआ है, मैं अभी घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, इसीलिए आप घर से बाहर जा नहीं सकते हैं और घर के बाहर का सीन कुछ दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए घर में ही अब वीडियो बनाना है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ बुरा देखिएगा, चलते हैं नीचे। A few moments later, ये भी करोटन हम लाए थे भागलपुर से खरीद के, और इससे एक करोटन लाए थे, इससे बहुत सारा करोटन मेरा निकल गया है। चलिए अब आगे देखते कौन सा करोटन है। मेरे यहाँ 6-7 करोटन है टोटल। Amazing! करोटन पे पूरा एकदम ध्यान देते रहते हैं, हर समय पानी कब क्या चाहिए इसको सारा ध्यान देते हैं। देखते हैं हरी भरी पत्ती है, और आप लोग भी घर पे लगाइए, गमले में लगाइए, अच्छा लगता है। इसे घर के सामने लगाइए तो बहुत मस्त लगता है देखने में भी, और इसका कुछ गुण भी होता है, सब कुछ देखने के बाद ही लगाया जाता है। आप लोग भी घर पे लगाइए। देखिए ये भी करोटन है, ये थोड़ा सा सूख गया है, मतलब उतना टहनी नहीं है, इसमें काट दिए थे इसलिए नया पत्ती लाने के लिए हम काटे हुए थे। अब देखिए आगे भी है, आगे ये तो फूल का है, वाइट वाला फूल, और ये भी करोटन है, इसको भी एकदम पीते ही सूख गया था पूरा, तो हरा भरा किए हैं पानी में देखे। और ये भी, ये तो हल्का फुल्का सूखा हुआ दिख रहा है इसका पत्ती, तो ये धीरे धीरे ग्रोथ हो जाएगा। अब बारिश के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ होता है, ये सब हरा भरा हो जाता है। तो ये सब बहुत दिन से मेरे यहाँ पड़ा हुआ है, तो एक टहनी लगा के कहीं पे गीला स्थान पे लगाइए, जहाँ भींगा हुआ जमीन रहता है वहाँ लगाइए, तो फिर दोबारा दूसरे जगह लगाइए। वो आंवला का पेड़ है, वो वाला। ये पेड़ आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा पेड़ है, ठीक है।